बात का है, आपको इस बार हम लोग लाए हैं। देखो डिफरेंट स्टाइल में हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है। देखो आज हम जो है बाइक चलाते चलाते व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार जो ट्राइपॉड होल्ड करा है वो लवेश ने करा है। तो हम लोग कहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं भीमताल। आज मौसम हो रहा था बहुत ज्यादा बढ़िया, बारिश हुई और ठंड हो चुकी है बहुत तगड़ी, और हमारा अकड़ चुका है ठंड में। गाड़ी बंद हो चुकी है वो रीजन है। फिर से ठोकने आ रहा था ये। देखो तो मैं आप सभी से कहूंगा कि बाइक चलाते चलाते व्लॉगिंग मत करो, मत करें। और हितेश की तरह अगर आप कर रहे हैं, मतलब अभी फॉर्च्यूनर से आगे तो भिड़ गए थे हम लोग, बहुत गलत हो चुका था सीन वो। लेकिन बता दिए, मैंने सारा सामान लिया है। बरकात बारे भाई, तो हम एंजॉय कर रहे हैं भाई। आज हम किसी विशेष काम के लिए आए हैं, और अगर वो विशेष काम पूरा होगा तो ये व्लॉग जरूर डलेगा। अगर ये व्लॉग नहीं डला तो ये सुअर की वजह से। बहुत देर हो गई है, हम लोग करीब करीब 3 बजे घर से निकले। तो अब फिलहाल हम लोग आप लोग को कुछ गाने सुनाने वाले हैं, वो भी नॉन स्टॉप। तो स्टार्ट करते हैं। इन वादियों में टकरा चुके हैं इस बार हमारे नदियों में। नहीं लगाया हमने किसी से, पता नहीं क्या किया हमने, चूचे ही बंदी किया हमने, सब में लग गई आग दिल में। हमारा स्टार्ट होता है कुछ ऐसे व्यू के साथ। ओ भाई बहुत प्यारा व्यू है वैसे तो। तो फिलहाल आप लोग को कंफ्यूजन होगा ये लेक कौन सी है। ये जो लेक है हम लोग आए हैं भीमताल। ऐसे स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि हम भीमताल जा रहे हैं, और हमारा जो आज का प्लान था वो था पैराग्लाइडिंग करने का, लेकिन पैराग्लाइडिंग है बंद। तो हम लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे कपल बोट में ना बहुत सही सही जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यार। सबका हक बनता है एंजॉय करना। अब तो हमारा हक क्यों नहीं बन रहा है ब्रो? तो फिलहाल भीमताल का प्लान बन रहा था हमारा सडन, और हम लोग सीधे भीमताल आए हैं। और भीमताल आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था वीकेंड में, क्योंकि 3 दिन की वैसी छुट्टी थी तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। और अब हम लोग सोच रहे हैं ना, आई थिंक हमारा प्लान जो बन रहा है कि कयाक ले, और वो उधर पे एक्वेरियम है, उधर पे हम लोग जाएं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई ये पीछे का व्यू ना आप लोग बहुत मिस करोगे, और आज मौसम बहुत ज्यादा प्यारा है। अभी सुबह सुबह बारिश हुई थी, और लेकिन अब देखो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, कोई धूप नहीं आई लेकिन ठंड है हल्की हल्की। वैसे भी थोड़ा बहुत नहीं हो रही है। तो लवेश और मैंने डिसाइड करा है कि यहाँ से अगर हमने कयाक ली ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि देखो हमें जाना है किधर 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 दूर किधर किधर उधर। तो यहाँ से ले जाते तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं से कयाक लेते हैं। ब्रो अब हमने एक बोट बुक कर लिया भाई, अब जाएंगे हम जहाँ जाने वाले हैं वो सामने है। अब हमारी बोट हो गई है रेडी। कौन सी बोट में जाएंगे हम भैया? बोट वो टाइटैनिक। ओह टाइटैनिक में जाने वाले हैं ब्रो आज तो हम। तो भैया हमें भी दे दो कुछ पहनने के लिए। तो जैसे हितेश ने पहन लिया वैसे मैं भी कुछ पहन रहा हूँ। जो एक्वेरियम जाने का चार्जेस है ना वो भैया बता देंगे आप लोग को। 250 रुपए 250 रुपए में आना जाना राउंड होगा ना खाली? आना जाना उसका एक्वेरियम का। और अंदर जाने के क्या चार्जेस है? 100 रुपए पर हेड। पर हेड है भैया, ये भी तैयार हो गया एकदम। पर हेड वाला बंदा तैयार हो चुका है फिलहाल। अंदर बढ़िया है, चलो पैसा वसूल चीज है ब्रो। 50 रुपए की पर्ची है और ये नंबर लगता है। ये आराम से भाई। कहाँ बैठे? पाजी उसी ग्रेट हो। डर बिल्कुल भैया, हमारी बोट निकल चुकी है। बोटों में ही घूम रहे हैं यार हम, ऑफिस भी बोट में जाते हैं। उधर से हमने टोकन लिया था की ऑफिस जाने के लिए बोट रख लेते हैं। रोज ऑफिस भी बोट में ही जाएंगे। अप डाउन करना बहुत इजी होगा हमारे लिए, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो अभी फिलहाल हम एक्वेरियम जा रहे हैं और आसपास में लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो पता है मैं बेशरम हूँ। 50 रुपए का टोकन होता है, 200 रुपए भैया को देने पड़ेंगे। यस तो लेकिन भाई बहुत प्यारा व्यू है यार। हाय 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 अंकल, शॉट आउट टू अंकल, क्योंकि अंकल हमारे लिए चप्पू चला रहे हैं आज। तो देखो व्यू कितना प्यारा व्यू है भाई यार। तो एक्वेरियम फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। ओ भाई ऐसा लग रहा है, पता है एक्वेरियम हिल रहा है। लेकिन हिल हम रहे हैं एक्चुअल में,
अब भैया पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। और ये देखो हमारी पार्किंग चल रही है, पार्किंग कर रहे हैं। अरे बोट को भैया साइड साइड। चलो अब उठ के जा रहा हूँ मैं। लवेश जा रहा है बाहर को। ओए ओए आराम से भैया, चलो चलो आ जाओ इतने जल्दी आ जाओ। बड़ा बड़ा एंट्री इज ऑन। एंट्री हो गई भैया। तो भाई अब एंट्री हो रही है हमारी एक्वेरियम कैफे में। भैया दो लोग, दो लोग 200 पे कर दीजिए। 200 पे करने हैं भैया। स्टार्ट एक्वेरियम सर, स्टार्ट है सर। कुछ इसकी नहीं, हमने टैग किए हुए हैं। बट अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके फर्स्ट टैंक से लेकर लास्ट टैंक तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस टैंक में क्या है, फिश की वैरायटी, कितने टाइम तक ये जिंदा रहती है, क्या इनका नेचर है, ये आपको पता चल जाएगा। क्यू आर कोड स्कैन कर लीजिए। फिलहाल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिश और कितने ड्यूरेशन तक ये लाइव रहती हैं, ये सारी चीजें हैं। तो क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है और आप फिशेस के बारे में जान सकते हो। ओए भाई कितनी सही लग रही है यार, देख रहा है आम टाइप की। ये भी है कुछ फिशेस भाई यार, ये बड़ी क्लासी लग रही है। ये बहुत सही लग रही है, इसको ऐसा लग रहा है ना, बहुत मारा है और इसके सर में फोड़ा हो गया, वो ब्लू बन गया इसके। अरे अब चालू हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिश हैं और ये एंजल फिश, एंजल फिश है ब्लैक एंड व्हाइट। सही। तो ये जो था हमने यहाँ से एंट्री ली और ये स्टार्टिंग फेज है पूरा। और यहाँ पे एक छोटा सा टैंक भाई, ये सिटिंग के लिए कितना अच्छा एरिया है ना। अभी हम नाइफ फिश, ये तो अलग ही है यार, ये छुप रही है हमें देख के। और लेकिन भाई यार वो तेरे को देख के छुप रही है। आ गया भाई, ये पता नहीं कौन आ गया है। अरे भाई ये पाकू, पाकू पाकू फिश है, पाकू है पिराना। अरे पाकू पिराना है भाई, ये पिराना बहुत खटक खटक होती है, पता तुझे, पता जो दांत से खिचखिच कर देती है। एशियन ईल है ये। एशियन ईल तो दिखी नहीं थी भाई, वो है भाई एशियन ईल। ये नीचे है भाई, ये देखिए, देख जूम करके दिखाऊं, वो देख लटकी हुई नहीं दिख रही हो, कहां ये उधर। अरे यहां पे भी है देखो एशियन ईल, ये तो सांप टाइप की है ब्रो। भाई ये क्या है, एलिगेटर भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक है यार। ये तो मुझे लग रहा है तैयार है बस बाहर निकलने के लिए। जब बात होती है सोने की तो हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं गोल्ड फिश है हमारी गोल्ड फिश का नेम टाइटल, और ये है हमारी गोल्ड फिश, सुनहरी फिश है ब्रो। ये देखो भाई इसका एक्वेरियम, इसका बहुत लाजवाब एक्वेरियम है। ये देखो गोल्ड फिश लाजवाब है। ओ माय गॉड भाई ये भी बहुत प्यारी है। ये भी बहुत प्यारी है। और फिलहाल हम दिखाएंगे वॉकिंग कैटफिश, और ये है कैटफिश है भाई, ये मूछे है भाई, शेव नहीं कराया इन्होंने अभी बस। नियॉन भाई देखो, नियॉन इनबिल्ट नियॉन है ब्रो, इनके अंदर से चमक रही है, ये रात में चमकती हुई बहुत ज्यादा। ये है रेड टेल शार्क, ये देखो फील आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों को? रेड टेल बॉस, फील है बॉस, इतनी प्यारी प्यारी है यार, क्या क्लासी है ब्रो, इतनी चकाकारी है एकदम। और इनका ना अंदर का भाई बहुत, इनके अंदर का रहने का भाई ऐसा ही मेरी जिंदगी में पता ही आया। अभी हम कुछ भी खाएंगे ना इधर बैठेंगे लवेश ना, भाई कितना सही व्यू है यार। लेकिन तो अब 100 रुपए खर्च करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है यार, फिशेस तो मिल ली हैं। अच्छा हो गया क्या, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया, तो फिशेस हो चुकी है कंप्लीट। ये जो पोर्शन था वो फिश वाला था। ये देखो म्यूजिक बज रहा है ना, मुझे लगता है घर जाना जा रहा था, ये कॉपीराइट करवा के छोड़ेगा। और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन भाई बहुत सही है यहाँ पे बैठ के ना एंजॉय करके। कपल्स हैं तो बहुत जरूरी है आना यहाँ पे, देखो कितना प्यारा है भाई। ऐसी लोकेशन के लिए लोग काफी ज्यादा तरसते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत प्यारी लोकेशन हो सकती है। सेटिंग वाला ऑप्शन आप लोगों को ऊपर भी मिलता है, और ऊपर आई थिंक सही है भाई, बहुत सही मॉल है, सेक्सी मॉल है। देखो सेटिंग का एक पोर्शन इधर पे और एक उधर पे है, लेकिन ये लाजवाब है। और इसके साथ जो व्यू है ना ये है।
लौटने के बाद भाई देखो हमने ये सारी चीजें मंगाई थी और ये सारी चीजें आ चुकी हैं, बस एंजॉय करेंगे करने वाले खाने वाले भाई। लेकिन ठंडा जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है, एकदम सब एंजॉय कर रहे हैं भाई। लेकिन जब फिलहाल ये एंगल लिया है हम लोग ने बातचीत करने का, ओ मैं एंगल भी ले चुके हैं इतनी देर में, तो भी आ रहा है वो देख रहा है कि ओ क्यों हो रहा है। लेकिन बहुत सही लोकेशन है यार भाई, बस अब पे हाँ मैं पे लूंगा। इस ड्रिंक का जो नाम है ना सेक्स ऑन द बीच, सेक्स ऑन द बीच। वाली लोकेशन कितनी प्यारी है बैठने के लिए यार, ये सेक्स ऑन बीच खत्म नहीं कर पाया था तो अब मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन भाई मजा आ गया, मजा आ गया, सच में मजा आ आज गया। की प्लेस बहुत सही बहुत सही, बहुत सेक्सी प्लेस, एक्वेरियम कैफे भीमताल के बीचों बीच, ताल के बीचों बीच, लेक के बीचों बीच। टुकटुक आ गया तेरा, टुकटुक आ गया तेरा। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं टुकटुक का, काफी समय है टुकटुक के आने में। बोर्ड नंबर इधर देखो, यहाँ से भैया बोलते हैं और बोर्ड हमारी उधर से आएगी। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बैग पकड़ रमेश। भैया आप बैठिए यार, आप गिराएंगे मुझे लगता है आप। तो अब हम फिलहाल बोलते हैं बाय, बहुत प्यारा एक्वेरियम है यार, बहुत सही मजा आ गया, पैसे खर्च करके मजा आ गया। फिलहाल इस जहाँ को हम बाय बाय करते हैं क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है और जा रहे हैं हम दूर दूर। बहुत सही है, सेक्सी है, सेक्सी ऑन अ बीच। जहाँ से की थी हम लोग ने शुरुआत, हम लोग वहीं पहुँच चुके हैं और बस देखो अभी हम बैक गियर लगाएंगे और चीज़ें हमारी पार्किंग होगी। उठे मैं कह रहा हूँ तुम लोग बहुत सही, आ गया उतर गया, ये आ चुके हैं भाई वापस। तो फिलहाल हम वाले स्पॉट पे हैं जहाँ पे मिलते हैं खुजली वाले गोलगप्पे। तो लवेश खाएगा खुजली वाले गोलगप्पे क्योंकि आई एम लविंग इट। जैसे शुरू करा था अपने व्लॉग स्टार्ट करा था हम लोग ने इस स्टाइल में और इसी स्टाइल में हम अपने व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और बहुत मजा आया, बहुत मस्ती आई, ऐसी वीकेंड्स होते हैं जहाँ पे हम आप लोग को नई नई लोकेशन दिखाते हैं तो जिससे आप लोग नेक्स्ट टाइम वहाँ पर विजिट करते हैं। तो जल्दी से जाना मत भूलना और मस्ती करना मत भूलना। तो इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।